गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 12th केमिस्ट्री सीबीएसई और बाकी बोर्ड के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लिए गए हैं एनसीईआरटी से और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स से। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि मैग्नीज के ऑक्सी ऋणायन का सूत्र लिखो या राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सो एनायन ऑफ मैग्नीज इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू ग्रुप नंबर। अब मैग्नीज जो है, मैग्नीज का सिंबल होता है Mn, एटॉमिक नंबर होता है 25, एटॉमिक नंबर मैग्नीज का होता है 25। तो अब हमें इसका ग्रुप नंबर कैसे पता लगे? तो इसका जो सबसे आसान तरीका है वो तो ये है 3D सीरीज के लिए कि इनके एटॉमिक नंबर को आपस में जोड़ दो। तो 2 और 5 को हमने जब जोड़ा तो हमें पता लगा मैग्नीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 7 हो। इससे हमें उसका ग्रुप नंबर का पता लग जाता है और मैग्नीज अपने ग्रुप नंबर के बराबर ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। तो मैग्नीज का एक आयन है जिसका नाम है परमैग्नेट। इस परमैग्नेट की मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर 7, जबकि मैग्नेट आयन की ऑक्सीडेशन नंबर 6 है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसके बेसिस पर क्वेश्चन ये आ सकता है और ये एनसीईआरटी में है कि क्रोमियम के ऑक्सो एनायन का फॉर्मूला लिखो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के बराबर। तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर 6 है और क्रोमेट की भी प्लस 6 होती है। इसका ग्रुप नंबर कैसे पता लगा? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है तो हमने उसके एटॉमिक नंबर को आपस में जोड़ दिया 2 और 4, तो हमको पता लग गया कि क्रोमियम का ग्रुप नंबर 6 होता है। मतलब ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से दिखाएगा। हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करके। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि इसका आयुपिक नेम लिखो। हमारे पास एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड का हमें आयुपिक नेम लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि ये कंपाउंड कौन सा है। जब हमने इसको देखा तो हमें पता लगा ये टर्शियरी अमाइन जो होती है उसका आयुपिक नेम कैसे लिखा जाता है कि इन तीनों में से जो दो छोटे छोटे ग्रुप होंगे, उनको हम मान लेंगे N, डाई एल्काइल और एल्केन अमाइन, या फिर अमीनो एल्केन भी लिखा जा सकता है। तो हमने इसमें देखा दो तो इथाइल ग्रुप जुड़े हुए, एक ही मिथाइल ग्रुप, तो हमने एक मिथाइल ग्रुप यहां लगा लिया, आप कहीं भी लगा सकते हैं, दूसरा इथाइल ग्रुप यहां लगा लिया और तीसरा इथाइल ग्रुप यहां। मतलब हम इनमें से इन दो को, क्योंकि ये तो छोटा है ही सबसे, तो सबसे पहले तो इसको अल्काइल मानेंगे। अब ये मिथाइल है और ये इथाइल है तो अल्फाबेटिकल इथाइल पहले आता है तो आ जाएगा एन इथाइल कॉमा एन मिथाइल। अब 2 कार्बन है तो इथेन अमाइन, या फिर इसका दूसरा नेम हो जाएगा अमीनो इथेन। तो ये आए हुए क्वेश्चंस का सिंपल आंसर है। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन काइनेटिक्स से लिया हुआ। और इस क्वेश्चन में वो कहता है कि एक रिएक्शन है जिसकी हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है तो इसका ऑर्डर क्या होगा। इसको करने के लिए आपको ये लाइन याद करनी चाहिए, नहीं तो इसका बड़ा सोल्यूशन आपको देखना पड़ेगा। 0 ऑर्डर की हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर डबल हो जाती है, फर्स्ट ऑर्डर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और बाकी सारे ऑर्डर की हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने पर कम हो जाती है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन हो गई। कौन सा ऑर्डर? ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो के की यूनिट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अगर हमें जीरो ऑर्डर की यूनिट निकालनी है तो एन की वैल्यू जीरो रख दो, फर्स्ट की निकालनी है तो एन की वैल्यू फर्स्ट रख दो, सेकंड की निकालनी है तो सेकंड रख दो। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है जो एनसीईआरटी का है कि एक रिएक्शन का ऑर्डर 3/2 है तो उसकी यूनिट क्या हो, की जगह 3/2 रख देंगे तो उस क्वेश्चन का भी आंसर निकल आएगा। हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में वो हमको कहता है कि इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर लिखो। तो जब हम किसी के आईयूपीएसी नेम से उसकी स्ट्रक्चर लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। इसमें लॉन्गेस्ट चेन है हमारी ये ब्यूटोइन। तो सबसे पहले हम फोर कार्बन की चेन बनाएंगे, उसकी नंबरिंग कर लेंगे। पहला क्लू ये है कि टू ब्यूटीन है, तो टू ब्यूटीन बनाने के लिए टू और थ्री के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा दें। इसकी नंबरिंग हमने ऑलरेडी कर रखी है। अब वन पे तो ब्रोमो लगाना है और फोर पर क्लोरो लगाना, तो सीएल तो यहां अटैच कर देंगे और वन बीआर यहां अटैच। स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करो कि इसकी लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, फिर उसकी नंबरिंग कर दो और जहां जहां ग्रुप कहे वहां वहां ग्रुप्स को अटैच कर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन से लिया गया, आसान क्वेश्चन है, आसानी से किया जा सकता है। इसमें कहता है इनकी डेफिनेशन बतानी। तो पहली है पॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, और हिंदी में कहते हैं अणुसंख गुणधर्म। अणुसंख गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मीन्स होता है सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करती हो। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टी जो विलेय के कण की संख्या पर निर्भर करे उसे कॉलिगेटिव या अणुसंख गुणधर्म कहते हैं। और ऐसी चार प्रॉपर्टीज होती है, और वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। नंबर वन ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी में इसको कहते हैं बॉइलिंग क्वथनांक में उन्नयन। तीसरी प्रॉपर्टीज है फ्रीजिंग पॉइंट में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन। इसके बेसिस पर एक एमसीक्यू का क्वेश्चन डेफिनेट सीबीएसई और बाकी बोर्डों में आता है, और उसको करने का बहुत ही आसान तरीका है। वो तरीका आप लिख लो, जिसके पार्टिकल ज्यादा होंगे, जिसके पार्टिकल ज्यादा होंगे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या उसका वेपर प्रेशर कम हो। जिसके पार्टिकल की नंबर ज्यादा होगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, लेकिन अगर उसने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा तो वही आंसर होगा जिसके पार्टिकल। रिलेटिव लोअरिंग कौन ज्यादा करेगा, जिसके पार्टिकल ज्यादा होंगे, लेकिन अगर उसने वेपर प्रेशर पूछा तो फिर किसका वेपर प्रेशर कम होगा। इस तो दो प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं और दो कम। अगला इसमें डिफाइन कहता है मोलैलिटी या मोललता को डिफाइन करो। ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पर मोलैलिटी में कोई फर्क नहीं आता।
एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाएगा कंसंट्रेशन का कौन सा मेथड बेहतर है, बढ़िया है। तो कंसंट्रेशन के दो मेथड सबसे बेस्ट होते हैं, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, क्योंकि दोनों ही मेथड में टेम्परेचर बढ़ाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। डेफिनेशन ये है नंबर ऑफ सल्यूट मोल, नंबर ऑफ सल्यूट मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। 1 kilo विलायक में जितने विलेय के मोल होंगे उसको मोलैलिटी या मोललता कहते हैं। तो अगर इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा सॉल्यूट मोल और नीचे आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलैलिटी और मोलैलिटी हमेशा 1000 में ही निकाली जाती है। फर्क ये है कि मोलैलिटी में सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं जबकि मोलैलिटी में सॉल्वेंट का वेट लेते हैं। ये ध्यान रखना। तो ये डब्ल्यू ए जो है वो सॉल्वेंट का वेट है। हम चलिए नेक्स्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन को कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है और वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिया हुआ है। क्वेश्चन करने की पहली थीम आपको ये होनी चाहिए कि आप बता सको कि ये चैप्टर किस चैप्टर से क्वेश्चन लिया हुआ। यहाँ पर वो हमको कहता है कि एसिटिक अम्ल की वियोजन की मात्रा कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, और इसने हमें H+ और एसिटेट आयन की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखी है। क्लियर। तो पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स से या अल्फा से दिखाते हैं। अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन और मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कुछ किताबों में इनफाइनाइट का सिंबल लिखा हुआ होता है और कुछ बुक्स में जीरो का सिंबल। एनसीईआरटी आजकल जीरो ही लगाती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर किसी गिवन कॉन्सेंट्रेशन पर तो उसने हमको बताया कि इसकी मोलर चालकता, इसकी मोलर कंडक्टिविटी 39 गिवन। अब ये वैल्यू हमें उसने दी नहीं है तो ये वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी, हम एसिटिक एसिड के H+ और एसिटेट आयन की वैल्यू को आपस में ऐड कर। H+ की वैल्यू इसने दे रखी है 349.6। इन दोनों को ऐड करने से इसकी मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इतनी आ गई। तो हम यहाँ रखेंगे 390.5 और डिवाइड कर देंगे तो अप्रोक्स 0.1 नंबर 0.1 आ जाएगा। अगर हम परसेंटेज में ये क्वेश्चन निकालना चाहते हैं तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये हमको 10% मिल जाए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखने। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक से लिया हुआ है और दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही जो रिएक्शन है जिन पर हमको शॉर्ट नोट्स लिखना है वो एल्डिहाइड वाले पार्ट से लिए हुए, वो दोनों ही पार्ट एल्डिहाइड से लिए हुए। तो हम शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। वुल्फ किस्नर रिडक्शन में एक एल्डिहाइड और एक कीटोन का रिडक्शन होता है और दोनों ही एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमें याद रखना है कि वुल्फ किस्नर रिडक्शन में, वुल्फ किस्नर रिडक्शन में जो कीटोन और एल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप होता है वो CH2 में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है और मैंने इसकी रिएक्शन NH2 के साथ में कराई और OH। ये जो OH है वो बेस नहीं होता, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है।
तो ये जो सीओ है इसको देखते ही पहचान जाओ इन दोनों को कि ये वुल्फ किशनर रिडक्शन है। तो ये जो सीओ वाला पार्ट है उसको सीएच टू में कन्वर्ट कर देंगे और एच ऑलरेडी है तो इससे इथेन बन जाएगा। और अगर कुछ नहीं आता तो सिंपल याद रखो वुल्फ किशनर रिडक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन बनता है। कार्बन गिनो वन और टू तो टू कार्बन वाला एल्केन बनता है। और अगर हमने इसकी रिएक्शन एसीटोन से कराई तो वुल्फ किशनर की रिडक्शन कराएंगे तो ये जो सीओ है वो सीएच टू में कन्वर्ट हो जाएगा और जब ये सीएच टू में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्रोपेन बनेगा और कुछ भी नहीं आता है तो वन टू थ्री कार्बन वाला एल्केन बनेगा। और भैया अगर इतना भी नहीं आता कि थ्री कार्बन वाला एल्केन एल्केन कौन सा होता है तो फिर टेंशन है, पहले भैया इलेवेंथ द्वारा से कर लो। अब हम इसी का नेक्स्ट एक रह गई उसको पढ़ेंगे, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है ना। इटार्ड रिएक्शन का एक छोटा मेथड है और एक बड़ा मेथड। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम एक टॉलोइन के रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड से CH2 के प्रेजेंस में करते हैं और हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो CH3 ग्रुप है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमने लिया यहाँ पर टॉलोइन, इसकी रिएक्शन जब मैंने क्रोमाइल क्लोराइड के साथ में CH2 के प्रेजेंस में कराई और फिर कर दी हाइड्रोलिसिस तो ये जो CH3 है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और इस रिएक्शन को हम इटार्ड रिएक्शन के नाम से जानते। यहां पर इससे पिछले साल या पिछले पेपर में जहां से क्वेश्चन उठाए वहां उसने पिछली बार इससे KMnO4 का ऑक्सीडेशन करवाया कि KMnO4 से अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एसिड बन जाएगा। तो हमें प्रिपरेशन ऐसी करनी है कि जो पिछले पेपर्स आ चुके हैं उनको पढ़ के फिर हमको ये देखना है कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और वो कैसे मॉडिफाई कर सकता है। अगर हम ये सीख जाए तो आसानी से हम बोर्ड के पेपर को कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है, 10% सुक्रोज के सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 269.15 केल्विन है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.केल्विन। मतलब हमें क्या कह रहा है वो, हमसे क्या ये कह रहा है कि जब सुक्रोज था तो 269.15 था फ्रीजिंग पॉइंट, तो अगर इसमें ग्लूकोज डालेंगे ठीक है ना तो ग्लूकोज के 10% से इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा। करें शुरू तो हम क्या करते हैं इसको, सबसे पहले तो ये डेल्टा टीएफ निकाल लें। तो हमने 273.15 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया, 0013 में से 9 गया 4 और ये 0 और ये भी 0, मतलब 4 केल्विन का डिप्रेशन हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब आगे चलिए तो ध्यान से देखना, हम दो फॉर्मूले लिख रहे हैं, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई केएफ इनटू डब्ल्यू बाय 1000 और डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू डब्ल्यू, ये सुक्रोज का फॉर्मूला। दूसरा टीएफ बराबर आई केएफ इनटू डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम इंटू डब्ल्यू। दोनों ही केसेस में अब देखो, पहले सुक्रोज का डेल्टा टीएफ हमको पता लग गया, दोनों ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ब्रेक नहीं होंगे तो आई से आई को कैंसिल कर दे, केएफ की वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगी, कैंसिल कर दे। अगर हम इस क्वेश्चन को अलग अलग करेंगे तो
हमें इस क्वेश्चन को करने में डिफिकल्टी आएगी। अब ये 10% है तो ये भी 10% है, सुक्रोसा मोलर मास 342 होता है और ग्लूकोज का मोलर मास 180। डब्ल्यू ए सॉल्वेंट का वेट 90 होगा क्योंकि 10% है, 10% है तो 10 ग्राम सुक्रोज है, 90 ग्राम वाटर। ऐसे ही डब्ल्यू ए भी 90 होगा ग्लूकोज वाले केस में। तो आप देखोगे कि ज्यादातर क्वांटिटी तो खत्म हो गई, इस 10 से ये 10 कट गया, इस 1000 से 1000 कट गया, 90 से 90 कट गया, तो रह क्या गया, 4 डिवाइडेड बाय टीएफ इक्वल टू ये 342 नीचे आ जाएगा और 180 ऊपर चला। ठीक है, अब हमें डेल्टा टीएफ निकालना है, तो डेल्टा टीएफ को तो यहां ले आए, 342 ऊपर और 180 नीचे, तो फाइनल आंसर हो गया डेल्टा टीएफ का 342 इंटू 4 और डिवाइडेड बाय 1। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये 7.6 है, 273 में से 7.6 को माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट निकल आए। यहां पर एमसीक्यू करने के लिए एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखो, अगर दोनों के वेट सेम हो, जैसे 10% 10%, तो जिसका मोलर मास कम होता है वो ज्यादा डिप्रेशन या ज्यादा एलिवेशन करता है, क्योंकि ग्लूकोज का मोलर मास 180 था और ये करीब करीब डबल है 342, तो 4 का डबल होगा। तो हम एमसीक्यू ऐसे कर सकते हैं, मोलर मास डबल है तो डिप्रेशन, इसका डिप्रेशन 180 वाले का करीब करीब 4 से डबल के आसपास आए। क्लियर, तो हम चलेंगे और फिर एक नया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा लिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से और क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन फैराडे का, फैराडे के फर्स्ट लॉ से लिया गया और जितना मैंने नोटिस किया है कि हर साल फैराडे के फर्स्ट लॉ का एक न्यूमेरिकल हर साल पूछा जाता है। वो कह रहा है कि जब हमने 2 एम्पियर का करंट 15 मिनट तक पास किया तो कितनी सिल्वर डिपॉजिट होगी। तो भैया इलेक्ट्रो में अगर टाइम पूछे या दिया हो तो एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाय वैलेंसी इंटू 9650। याद रखना टेम्परेचर दिया हो या पूछे तो ये फॉर्मूला यूज करना, आप वो ZIT वाला फॉर्मूला याद ही मत करना, नहीं तो आपको वहां एक्सपेंड करना पड़ेगा। इसका एटॉमिक वेट सिल्वर का 108 होता है, 2 एम्पियर का करंट 15 मिनट तो 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड में कर लिया। AgNO3 में Ag की वैलेंसी 1 होती है और ये फैराडे कांस्टेंट है जिसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये 2.01 ग्राम, मतलब 2 एम्पियर का करंट 15 मिनट तक AgNO3 में से गुजारने पर 2 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो जाए। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है, फ्यूल सेल आर दोज सेल विच डायरेक्टली कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो सेल रासायनिक ऊर्जा को सीधा ही विद्युत ऊर्जा में बदल दे उसको हम फ्यूल सेल के नाम से जानते। फर्स्ट न्यूमेरिकल 2 मार्क्स का आया था और फ्यूल सेल की डेफिनेशन 1 मार्क की आई। क्वेश्चन इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं।
अब हम देखते हैं फिर एक नया क्वेश्चन। नया जो क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से लिखा हुआ, और पहला क्वेश्चन ये है कि ये कौन सी आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो अब कोऑर्डिनेशन में आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन में आइसोमेरिज्म बताना एक बहुत ही ट्रिकी काम है, और वो ट्रिक कैसे काम करती है फिर से ध्यान से देख। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में एम्बिडेंटेड लिगेंड है, एम्बिडेंटेड लिगेंड CN होता है, NO2 होता है और HCN होता है, नॉर्मली ये तीन ही आते। अगर इन तीनों में से कोई भी एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है तो समझ जाओ वो लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाएगा। अगर H2O प्रेजेंट है तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म दिखाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स में दो ब्रैकेट लगे हुए तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दिखाएगा, और अगर इन तीनों में से कोई नहीं है और ब्रैकेट में सीधे हाथ की तरफ अलग अलग आयंस हैं, मतलब ब्रैकेट के बाहर सीधे हाथ पर, जैसे ये मतलब बाहर राइट साइड में एनायन है, या छोड़ो ये सब, एम्बिडेंटेड लिगेंड हो तो लिंकेज, वाटर हो तो हाइड्रेट, दो ब्रैकेट हो तो कोऑर्डिनेशन, और बच गई तो आयोनाइजेशन। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है वो कॉम्प्लेक्स ऐसा है कि फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है कोबाल्ट NH3, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्रोमियम N6। तो दो ब्रैकेट देखते ही समझ में आ गया कि ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दिखाएगा। इसका क्वेश्चन ऐसे आता है कि इसका आइसोमर बनाओ। अब जब इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनाना हो तो कैसे बनाओगे, तो क्या करते हैं, जो आसान तरीका है, इनके मेटल को एक्सचेंज कर दो। नॉर्मली बुक में लिखा हुआ है कि लिगेंड एक्सचेंज करो। अगर आप लिगेंड एक्सचेंज करोगे तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जब सारे साइनाइड इधर आ जाएंगे तो इस बॉक्स पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस बॉक्स पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जो IUPAC के अकॉर्डिंग रॉन्ग है, क्योंकि पहले कैटायन और फिर एनायन लिखा जाता है। तो जैसे ही हम इसकी मेटल बदलेंगे हमारा काम हो, अब इसका IUPAC नेम हो जाएगा हेक्सामाइन, हेक्सामाइन क्रोमेट, हेक्सामाइन क्रोमियम 3, हेक्सासाइनो कोबाल्टेट 3। जो दूसरा वाला बॉक्स होता है उसके मेटल में 8 आएगा, क्योंकि ये एनायन लिगेंड कॉम्प्लेक्स है। एनायन कॉम्प्लेक्स हो तो फिर मेटल के नेम में हमेशा 8 लगाया जाता है। क्लियर? हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में वो कहता है कि NiH2O का सोल्यूशन ग्रीन है और NiCN4 का सोल्यूशन कलरलेस। तो जब भी कोई कलर की बात करता है, जब भी कोई कलर की बात करता है तो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तब भी आप लिख सकते हो कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन NiH2O6 DD ट्रांजिशन टेक प्लेस। मतलब जो भी कलर होगा, जो भी कलर दिखाएगा उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। सिर्फ दो तीन ही एग्जाम्पल ऐसे हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि MnO4- CrO4- और Cr2O7-2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये कॉम्प्लेक्स या ये आयन कलर्ड होते हैं। और उसका आंसर होता है क्योंकि इसमें लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बनता है, जो नॉर्मली 12th में कम यूज होता है,
पर आजकल यूज होने लगा है। हम डिस्कस करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये है कि यहां पर कोबाल्ट मेटल है, 5 अमोनिया है, 1 कार्बोनेट आयन है और बाहर चार्ज को बैलेंस करने के लिए 1 Cl लगाओ, ठीक है ना। अब इसका आयुपिक नेम लिखना है। तो देखो, जब भी यहां कुछ भी नहीं हो या ब्रैकेट पर नेगेटिव चार्ज हो, फिर से सुन लो, या कोई आयन दिया हो या ब्रैकेट पे नेगेटिव चार्ज हो तो 8 आता है, नहीं तो 8 नहीं आएगा। मतलब इसमें 8 नहीं है, ये एमाइन है और ये कार्बोनेट हो तो एमाइन पहले आएगा, तो इसका नेम हो जाएगा पेंटा एमाइन, पेंटा एमाइन कार्बोनेटो कोवाल्टेट कोवाल्ट। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्यों है? क्योंकि एक कार्बोनेट पे -2 होता है और क्लोरीन पे -1 होता है, टोटल -3 हो गया, तो मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो जाएगी। बाहर वाले पे कोई आयुपिक लॉ नहीं लगता है, तो सिंपल यहाँ पर Cl का नेम क्लोराइड लिख देंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। तीनों क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के आए थे, टोटल क्वेश्चन 3 मार्क्स। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दिख रहा है कि ये काइनेटिक से लिया हुआ, ये क्वेश्चन काइनेटिक से लिया हुआ। अब इस क्वेश्चन में वो हमसे पहले कह रहा है, उसने हमें टाइम दिया है और फिर टाइम देने के बाद में वो हमको कह रहा है बताओ कि ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है या फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर। ऑर्डर निकालने के दो ही तरीके, या तो हमें घर से याद होना चाहिए या फिर एग्जाम में डेटा की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखते इस तरह के क्वेश्चन के वो सॉल्व करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो वो हमें साफ साफ कह रहा है कि प्रूव करो कि ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हम 2 बार या 3 बार के निकालते हैं, और जब के निकालते हैं, ठीक है ना, जब के निकालते हैं तो हमको देखते हैं कि अगर के की वैल्यू दोनों बार सेम आ रही है फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन से तो फर्स्ट ऑर्डर की, अगर फर्स्ट ऑर्डर से सेम नहीं आ रहा है तो फिर कोई दूसरे ऑर्डर में डालकर हिट एंड ट्रायल करें। तो हम पहले क्या है, 0 से 300 के बीच में निकालें, 0 से 300 के बीच, और 2.303 ये 300 हो गया, ये 0 हो गया लॉग। इसका कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर जो भी गिवन है वो है 1.6 × 10⁻²। और 300 सेकेंड पर इसका जो प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.8 × 10⁻²। ये और log 2 की वैल्यू 0.3010 होती। जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो k की वैल्यू 2.31 × 10⁻³। अब हम सेम क्वेश्चन को फिर से करेंगे, लेकिन अब की बार हमने जो टाइम इंटरवल है वो 600 और 0 ले लिया। आप चाहो तो 300 और 600 के बीच भी ले सकते, क्योंकि हमने 600 और 0 का लिया है तो 0 का कॉन्सेंट्रेशन तो ये हो जाएगा और यहां पर 600 वाला कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो फिर से k की वैल्यू 2.31 × 10⁻³ - 3 आएगी। तो दोनों ही केस में इसके k की वैल्यू सेम आई है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन। अब हमें निकालना है इसका दूसरा पार्ट। इसके दूसरे पार्ट में वो कहता है कि इसकी हाफ लाइफ निकाल।
तो अगर हम एमसीक्यू कर रहे होते तो हमें सामने ही दिख रहा है कि 0 से 300 के बीच में 1.6 का आधा हो गया, तो जिस टाइम में कंसंट्रेशन आधा हो जाए वो उसकी हाफ लाइफ हो रही। पर हमें 12th का एग्जाम देना है तो हमें फॉर्मूला बेच करके दिखाना। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के, 0.693 डिवाइडेड बाय 2.31 इंटू 10^3, और इन सब का डिवीजन 300 सेकेंड इनवर्स है। तो आप इस क्वेश्चन को थियोरेटिकल मेथड से भी कर सकते थे और हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑर्गेनिक क्या हुआ। ऑर्गेनिक में SN1 और SN2 का एक क्वेश्चन हर एग्जाम में ही पूछा जाता है। कल के पेपर में भी हमने डिस्कस किया था, पर कल के पेपर में SN1 का क्वेश्चन आया था और आज के पेपर में SN2 का क्वेश्चन। SN1 रिएक्शन वो पहले देता है जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल हो, और यहां पर वो पहले देगा SN2 जिसका कार्बोकैटायन लेस स्टेबल। अगर सारे कंपाउंड एक जैसे हैं तो फिर आयोडीन पहले देगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। SN1 में ये ऑर्डर भी सेम होता है, पहले आयोडीन SN1 देगा, फिर ब्रोमीन, फिर। तो हमने तीनों कंपाउंड देखे, 2-bromopentane, 2-bromo-2-methylbutane और लास्ट है 1-bromopentane। तो हमें देखते ही समझ आ गया कि 1-bromopentane प्राइमरी कंपाउंड। तो जो कंपाउंड सबसे पहले SN2 रिएक्शन देगा वो होगा 1-bromopentane, जो भी दे। हमें प्राइमरी देखना है SN2 के लिए, और SN1 पूछता तो देखते टर्स। अब वो कह रहा है इनमें से एक ऐसा कंपाउंड बताओ जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए एक ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसमें किसी कार्बन से चार डिफरेंट ग्रुप अटैच। एक मुद्दे की बात यह है, 2-butane, 2-pentane, 2-hexane हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव। ये मैंने पेंटेन बना लिया और 2 पर ब्रोमो जोड़ दिया, तो यहां पर बैलेंस सेटिस्फाइड करने के लिए हाइड्रो। तो ये तो CH3 है, ये H है, ये Br है, और यहां पर अलग है, इसे ये ऑप्टिकली एक्टिविटी दिखाए। तो 2-bromopentane ऑप्टिकली एक्टिव हो। अब क्वेश्चन है कि इन तीनों एल्काइल हैलाइड में से किसका एलिमिनेशन फास्ट होगा। एलिमिनेशन के लिए आपको ये लाइन याद होनी चाहिए कि टर्शियरी कंपाउंड का एलिमिनेशन सबसे फास्ट होता है, और इसमें टर्शियरी कंपाउंड एक ही है, 2-bromo-2-methylbutane। ये टर्शियरी है तो इसका एलिमिनेशन सबसे फास्ट हो। मींस ये पूरा ही क्वेश्चन यहां से कुछ नहीं होगा, आपको घर से कंसेप्ट याद होने चाहिए कि एलिमिनेशन का ऑर्डर होता है टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और SN1 का भी ऑर्डर होता है यही, लेकिन SN2 का ऑर्डर होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। लेकिन अगर हेलोजन डिफरेंट हो, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, तो SN1 और SN2 दोनों में ही सेम ऑर्डर होता है। हम चलेंगे और फिर एक नया क्वेश्चन डिस्कस करना। तो हम इस वर्जन यूज कर रहे हैं। पहला स्टेप है C6H5 C6H5 MgBr,
नहीं, बीआर की रिएक्शन मैग्नीशियम से कर रहे। जब मैग्नीशियम से कोई रिएक्शन करते हैं तो हमें देखते ही पता लग जाना चाहिए कि भैया ये ग्रिग्नार्ड रिजल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्रिग्नार्ड। तो पहला प्रोडक्ट बन जाएगा ये बेंजीन रिंग और एमजी बिया। जब हम ग्रिग्नार्ड रिजल्ट रिएक्शन CO2 से करें और फिर हाइड्रोलिसिस, ग्रिग्नार्ड का कोई भी प्रोडक्ट बिना हाइड्रोलिसिस के नहीं बनता है। तो मैं आपको सुनाता हूं एक कहानी, उस कहानी से ये देखते ही हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड CO2 के साथ में एसिड बनाता है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ में प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, इसके अलावा सारे एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं और कीटोन टर्शरी अल्कोहल देता है, एस्टर टर्शरी अल्कोहल देता है और साइनाइड टर्शरी अल्कोहल। अगर आपको ये पांच बातें याद है तो डेफिनेट एक क्वेश्चन बोर्ड का, MCQ का, नीट का डेफिनेट हो जाए। जब मैंने इसकी रिएक्शन CO2 से कराई तो ये इसको एसिड में कन्वर्ट कर, अगला स्टेप है PCl5 का काम होता है OH हटाओ Cl लगाओ। तो यहां पर ये OH तो हट जाएगा और इस OH की जगह पर COCl मतलब बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में साइनाइड की रिएक्शन हो रही है। किसकी हो रही है? साइनाइड की रिएक्शन हो रही है। जब हम साइनाइड की रिएक्शन SnHCl करते हैं, देखते ही पता लगना चाहिए स्टीफन रिडक्शन है और स्टीफन रिडक्शन में साइनाइड के रिडक्शन से एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है। तो जब मैं CH3CN का रिडक्शन करूंगा तो पहला प्रोडक्ट बनेगा CH3CHO और उसके बाद में जब मैं इसकी डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करूंगा, देखते ही एल्डिहाइड के साथ में दो रिएक्शन याद आनी चाहिए, एल्डारो और एल्डो। अगर अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो एल्डोल और नहीं हुआ तो कैनिजा, क्योंकि इस एल्डिहाइड में तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। अब एल्डोल कैसे करते हैं ध्यान से सुनना। तो एक ही मॉलिक्यूल है एल्डोल की, पहली टिप यह है कि आपको डबल करना पड़ेगा। अगर आपको ये बात पता नहीं है तो आप एल्डोल करने लायक नहीं है। दूसरी बात, दूसरे मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन निकालो, मतलब दो मॉलिक्यूल है ना, तो एक में से अल्फा हाइड्रोजन निकालो और दूसरे मॉलिक्यूल के ओ से जोड़ दो। तो मैंने एक एच निकाल कर इस मॉलिक्यूल से जोड़ दिया और बाकी दोनों में बॉन्ड बना। ये एक मॉलिक्यूल है एच लूज करने के बाद में और इसका जो एच था वो ओ से लगा। अब जब हम इसको हीट करेंगे, हीट करने से बीटा एलिमिनेशन होगा, तो ये भी बीटा है और ये भी बीटा है और ये बीटा अंदर है और जब यहां से जाएगा तो ये और ये डबल बॉन्ड आपस में रेजोनेंस दिखाई। याद कर लो कि एल्डोल में हीट करने पर हमेशा अंदर वाला बीटा हाइड्रोजन जाता है और जो कंपाउंड बना है उसका नाम है क्रोटन एल्डिहाइड या इसको कहते हैं ब्यूट टू इन अल। तो हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। इसके बाद इसमें कन्वर्जन पूछे हुए, तो हम देखते हैं कि ये कन्वर्जन हम कैसे कर सकते हैं। कन्वर्जन करना ऑर्गेनिक का सबसे टफ काम होता है। अगर आपको ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन याद नहीं है तो प्लीज कन्वर्जन पे दिमाग खराब करने की कोई नीड नहीं बनती। कन्वर्जन
ऑर्गेनिक का सबसे आखिरी टॉपिक है, सबसे आखिरी टॉपिक। तो फर्स्ट कन्वर्जन कहता है बेंजोइक एसिड से बेंजल डिहाइड बनाओ। सबसे पहली जो बात चेक की जाती है वो ये चेक की जाती है कि क्या इसमें कार्बन के नंबर कम या ज्यादा हुए। इसमें कार्बन के कोई नंबर कम और ज्यादा नहीं हुए, कार्बन बराबर। इसका मींस है कि ये कोई दो छोटी सी रिएक्शन का कॉम्बिनेशन। अब याद करो कि क्या कोई ऐसी रिएक्शन आपने पढ़ी है जिससे एल्डिहाइड बनाओ, जिससे एल्डिहाइड। तो रोजनमुंड रिडक्शन में COCl पीडी के प्रेजेंस में, पीडी और BaSO4 की प्रेजेंस में एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। हमने यह बेंजोइल क्लोराइड रख लिया, साइमल्टेनियसली हमें यह सोचना भी पड़ेगा कि क्या इससे बन सकता है। तो अभी अभी SOCl2 या PCl5 से रिएक्शन कराएंगे। मतलब इस क्वेश्चन की हिंट इसने हमें इसके ए पार्ट में दे दी। दूसरा है हमारा इथाइल बेंजील से बेंजोइक एसिड, इसकी हिंट भी उसने दे दी। कंसेप्ट ये है कि जब हम बेंजीन रिंग के ऊपर एल्काइल चेन का KMnO4 से ऑक्सीडेशन करते हैं तो जो एटम रिंग से डायरेक्टली कन्वर्ट जुड़ा हुआ होता है वो एसिड में बदल। तो जब आप इस ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ में कराएंगे तो KMnO4 इथाइल ग्रुप को या इस CH2 को तो एसिड में बदल देगा और बाकी सारे कार्बन CO2 बनकर उड़ जाए। तीसरा कन्वर्जन ये है कि ये हमारा प्रोपेनॉन है और प्रोपेनॉन से बनानी है प्रोपीन। प्रोपीन बनाने के लिए या तो अल्कोहल चाहिए और या फिर हमको चाहिए अल्काइल। तो इसमें अल्काइल हैलाइड बन नहीं सकती तो हमने इसका रिडक्शन किया LAH से। LAH ने इस कीटोन को रिड्यूस कर दिया सेकेंडरी अल्कोहल और फिर हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से बीटा एलिमिनेशन हो गया। आप यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं तो प्रोपीन बन जाए। और प्रोपेनॉन से प्रोपीन बनाने के लिए हम पहले LAH से रिडक्शन और फिर एलिमिनेशन हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है कि हम एनिलीन का एसाइलेशन क्यों करते हैं। अभी 2 दिन पहले ही मैंने अमीन की वीडियो अपलोड की है और उसमें बताया है कि एसाइलेशन क्यों करते हैं। जब हम एनिलीन का एसाइलेशन करते हैं तो एसाइलेशन में एच हटकर सीओ ग्रुप लग जाता है। सीओ ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग। नाइट्रोजन का लोन पेयर है उसको सीओ अपनी तरफ खींच लेता है। तो जब ये लोन पेयर सीओ की तरफ चला जाता है तो रिंग में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और रिंग की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अदरवाइज अगर हम एसाइलेशन नहीं करते हैं तो नाइट्रेशन कराते समय बेंजीन की रिंग ही उड़ जाती है और एनिलीन ब्लैक नाम की डाई बनती है। इसका सेकेंड पार्ट ये कहता है कि एनिलीन कम बेसिक क्यों है, एनिलीन कम बेसिक क्यों है और मिथाइल अमीन ज्यादा बेसिक क्यों। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, बेसिक नेचर कम करने के लिए नंबर 1 फैक्टर है रेजोनेंस और वो मोस्टली बेंजीन रिंग में लगता है। तो एनिलीन का जो लोन पेयर है वो रिंग के साथ में डी लोकलाइज करता है
जिससे आसानी से मिलता नहीं, पर आपको फुल मार्क्स लेने के लिए आपको अगर इसमें पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको इसमें एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और फिर लिखना पड़ेगा एनिलीन लॉनपेयर डीलोकलाइज्ड ओवर बेंजीन रिंग सो नॉट इजिली अवेलेबल फॉर डोनेशन. So aniline is a less basic than, so aniline is a less basic than methyl. Clear? अगला क्वेश्चन ये है जो कई बार आ चुका है, लगातार मैं देख रहा हूं हर पेपर में. एनी चैप्टर का 13.3 क्वेश्चन के क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जा रहे, मतलब अगर आप एनिलीन में कुछ नहीं पढ़ रहे, आपको ऑर्गेनिक आती ही नहीं है, तो बेटा बस 13.3 क्वेश्चन पुरानी बुक का याद रखो, अमीन वाले चैप्टर में. अगर आप 13.3 या 3 क्वेश्चन के 5 या 6 पार्ट याद कर जाए तो डेफिनेट एक पार्ट एग्जाम में आता. क्वेश्चन यह है कि जब हम एनिलीन की नाइट्रेशन करते हैं, एनिलीन का जो NH2 है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो जब हम इसका नाइट्रेशन करते हैं तो NO2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे तो लगना ही चाहिए, ऑर्थो पैरा के अलावा मेटा पे भी लगता है, मेटा पर भी लगता है. अब क्वेश्चन ये है कि जब ये ऑर्थो पैरा है, जब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो फिर मेटा प्रोडक्ट कैसे बने? जब हम इसमें एसिड डालते हैं HNO3 या H2SO4, तो उसका H जाकर इस H से H करके इसको एनिलियम आयन में कन्वर्ट कर देता है, और अगर किसी ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो मेटा डायरेक्टिंग बन जाता है, और नेगेटिव चार्ज हो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बन जाता है. अब ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन गया है, तो हमारा आंसर बोर्ड के लिए होगा बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एनिलीन कन्वर्ट इनटू एनिलीनियम आयन व्हिच इज मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर, सो NO2 ग्रुप अटैच्ड एट मेटा पोजीशन, क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में एनिलीनियम आयन बन जाता है जो मेटा डायरेक्टिंग है, और मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से ये हमको मेटा प्रोडक्ट देता. मोर ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आप लाइव सेक्शन में अमीन की लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें बहुत ही डिटेल से ये बताया हुआ है. अभी हम यहां पर सीख रहे हैं कि हमें कितना लिखना है और कैसे लिखना है. हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ट्रांजिशन एलिमेंट. जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है ना, वो लार्ज नंबर के कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते? लार्ज नंबर कॉम्प्लेक्स बनाने का रीजन होता है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं और छोटा साइज. कई किताबों में मैंने पढ़ा है कि वो कहते हैं इसके पास में डी ऑर्बिटल है इसलिए बनाते हैं, पर फर्स्ट ग्रुप में लिथियम के पास में डी ऑर्बिटल नहीं है, फिर भी लिथियम कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो डी ऑर्बिटल इसका सोल क्राइटेरिया नहीं है. इसका सोल क्राइटेरिया होता है हाई चार्ज और स्मॉल साइज, छोटे आकार और उच्च आवेश, स्मॉल साइज और हाई चार्ज की वजह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. एक नंबर का क्वेश्चन है, हम आगे चलते हैं. दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में तो बेसिक होते हैं और हायर में एसिडिक होते हैं, जबकि इंटरमीडिएट पर वो
एसिडिक नेचर दिखाते हैं। तो हम समझते हैं इस बात, ये MnO2 है, MnO जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, और इस Mn2O7 में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 7। ऑक्सीडेशन नंबर 7 लाने के लिए Mn ने अपने सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। जब इसने अपने सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, और जो लोन पेयर लेता है वो लुईस एसिड होता है। तो ये एसिडिक बिहेवियर दिखाई, तो मैं क्योंकि अभी Mn के 5 इलेक्ट्रॉन बाकी है तो ये किसी को अपने d इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो बेसिक करेक्टर दिखाता है। जबकि MnO2 की ऑक्सीडेशन नंबर इंटरमीडिएट, ये दे भी सकता है और ले भी सकता है, इसलिए ये एम्फोट्रिक होता है। पर 12th के लेवल में इसका नॉर्मल आंसर ये है, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन नंबर में ऑक्साइड एसिडिक होता है, और लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में ऑक्साइड बेसिक होता है, ठीक है ना। पर ये मुझे नहीं जमता, इसका एग्जैक्ट आंसर तो यही। अब हम आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि Mn का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो पॉजिटिव क्यों होता है क्रोमियम से ज्यादा। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं। इसकी थ्योरी ये है कि अगर किसी का ई नॉट पॉजिटिव है, तो जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल हो, और अगर ये नेगेटिव है तो रिएक्टेंट स्टेबल हो। दूसरी बात, अगर आपने ये बात याद कर ली है तो आपको इसकी बहुत हेल्प मिलने वाली है कि Mn की प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होती है और क्रोमियम की प्लस थ्री ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होती है। Mn को तो आप देख सकते हो क्योंकि ये डी फाइव कॉन्फिगरेशन है, पर क्रोमियम में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा। देखना, मैं आपको बता, Mn plus 3 और Mn plus 2। अब आपको ये बात याद है कि Mn की plus 2 ऑक्सीडेशन नंबर D5 की वजह से स्टेबल है और क्रोमियम की plus 2 अनस्टेबल होती है, इसलिए जल्दी से इसमें कन्वर्ट हो जाता है और हायर रिडक्शन पोटेंशियल दिखाता। Mn plus 2 ज्यादा स्टेबल होता है। अगर आपने ये रट लिया है कि Mn plus 2 और क्रोमियम plus 3 स्टेबल होते हैं, तो यकीन मानो आपका बोर्ड का एक क्वेश्चन आज ही आपको आ गया है, क्योंकि Mn की plus 2 और क्रोमियम की plus 3 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल हो। अगला क्वेश्चन हमें फिर से उसने दिया है लेंथेनाइट का। क्वेश्चन लेंथेनाइट का है और वो कहता है कि लेंथेनाइट और एक्टिनाइट की केमिस्ट्री में कोई एक डिफरेंस बता दो। तो लेंथेनाइट है, लेंथेनाइट का जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, बेस सारे क्वेश्चन, वैसे तो इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, एक सिंपल आंसर यह हो सकता है कि सारे लेंथेनाइड नॉन रेडियो एक्टिव होते एक पीएम को छोड़कर, जबकि सारे एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव नेचर के होते। तो लेंथेनाइड में एक प्रॉपर्टीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, और वो ये है कि लेंथेनाइड का साइज तो बड़ा है लेकिन लेंथेनाइड की आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्टिनाइड से ज्यादा होती। ये बात एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक के सारे क्वेश्चनों में काम आ सकती। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ट्रांजिशन एलिमेंट्स और पी ब्लॉक में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस होता है? जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन नंबर में दो का डिफरेंस होता है, जबकि डी ब्लॉक में सारी ऑक्सीडेशन नंबर में एक का डिफरेंस होता है। मतलब समझाता हूं, क्लोरीन या तो 7 दिखाएगा या 5 दिखाएगा या 3 दिखाएगा या 1 दिखाएगा। पूरे पी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन नंबर में दो का डिफरेंस होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू के लाइक है ये क्वेश्चन। ज्यादातर बच्चे गलत कर सकते, जैसे सल्फर फैमिली 6, 4, 2, 0, -2, जबकि डी ब्लॉक में 1, 2, 3, 4, 5 एक का ही डिफरेंस हो। अगला क्वेश्चन ये है कि कॉपर प्लस टू और कॉपर, ठीक है ना, कॉपर प्लस टू और कॉपर प्लस में से कौन सॉल्यूशन में अनस्टेबल हो? ध्यान से देख, कॉपर प्लस को जब हम, ये स्टेबल है क्योंकि D10, लेकिन जब हम कॉपर प्लस को पानी में डालते, जस्ट ए मिनट, जब हम कॉपर प्लस टू को पानी में डालते हैं, पानी में डालने पर इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है, पानी में डालने पर इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है। और डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, देख, कॉपर प्लस इसमें एक कॉपर तो प्लस टू में और दूसरा कॉपर में बदलता, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉपर प्लस टू की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है, तो जब कॉपर प्लस टू बड़ी मुश्किल से बनता है और पानी से रिएक्ट करता है, तो इसके बाद इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि ये प्रोसेस फेवरेबल हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है कि कहीं हम 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट करें और फिर हमें करोड़ों रुपए मिल जाएं, तो हम वो काम करेंगे ना, करेंगे। तो कॉपर D10 होने के बावजूद भी D9 में बदल जाता है, क्योंकि कॉपर प्लस टू के फॉर्मेशन से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। इसकी लैटिस एंथैल्पी भी हाई है और हाइड्रेशन एंथैल्पी भी हाई है, जबकि कॉपर पर चार्ज कम है, इसलिए कॉपर प्लस की लो हाइड्रेशन एंथैल्पी होने की वजह से, लो हाइड्रेशन एंथैल्पी होने की वजह से ये अनस्टेबल। ये चीज का आखिरी क्वेश्चन आज, ये इंपॉर्टेंट है और हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया है। हम ये वीडियो या ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आप देख सके मोर और लेस हर साल एक ही टाइप के क्वेश्चन चेंज होके आते, ये बदलता कुछ नहीं। CrO4 का कलर होता है येलो और हम इसमें एसिड डालते तो ये डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट, और डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज होता है, और इस ऑरेंज में अगर हम बेस डालते हैं तो जो ऑरेंज कलर है वो येलो में बदल जाता है, और इसकी जो इक्विलिब्रियम होता है वो pH 4 पर होता है। एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ सकता है किस pH पर ये इक्विलिब्रियम आता है, 4 पर, 4 के नीचे ऑरेंज कलर होगा और 4 के ऊपर मतलब स्लाइटली एसिडिक मीडियम में भी येलो कलर ही प्रेजेंट होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस डाल देंगे तब तो कोई बात ही नहीं। तो हम 2-3 क्वेश्चन आज और डिस्कस करेंगे जिससे एक पेपर पूरा खत्म हो। दिख रहा होगा
कि इन रिएक्शंस के प्रोडक्ट बताने, इन रिएक्शंस में प्रोडक्ट में क्या बना। तो पहला है सैलिसाइक्लिक एसिड का एसाइलेशन करना, और सब जानते हैं जब हम एसाइलेशन करते हैं तो एसाइलेशन में फिनॉल का एच बढ़ जाएगा और COCH3 लग जाए। इससे जो मेडिसिन बनती है उसको हम एस्पिरिन कहते हैं, क्योंकि एवरीडे चैप्टर हमारी कोर्स से निकल गया है। तो पहले आता था कि इस एस्पिरिन का यूज क्या है, ये पेन किलर है और हार्ट ब्लॉकेज में काम आती है। अब आपके देखो कैसे पेपर बन रहा है, ये क्वेश्चन आ गया एक साल पेपर में। अब नेक्स्ट ईयर वो क्या करेगा, इसका नाम पूछ ले, एस्पिरिन का आयुपिक नेम बताओ। एस्पिरिन का आयुपिक नेम है, ठीक है ना, एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, एसिटॉक्सी या ऑर्थो या टू एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ऐसे वो बदल बदल कर सेम क्वेश्चन से हिंट लेकर अगले साल क्वेश्चन को बदल दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथर की रिएक्शन HI से। ये रिएक्शन हर साल पूछी जा रही है, JEE में भी और 12th में भी। इस रिएक्शन का कंसेप्ट ये है कि जब इथर हैलोजन एसिड से रिएक्ट करती है, हैलोजन पहले टर्सरी से जुड़ती है, टर्सरी नहीं हो तो बेंजाइल से जुड़ेगी, और बेंजाइल नहीं हो तो एलाइल से जुड़ेगी, और अगर ये तीनों ही नहीं हुए तो जो उनमें छोटा ग्रुप है उस छोटू से जाकर जुड़ जाए। तो हमारे पास जो चॉइस है उस चॉइस में ये तो देखो क्या इसमें कोई टर्शियरी ग्रुप है, दोनों तरफ नहीं, क्या कोई बेंजाइल ग्रुप है, नहीं, कोई एलाइल है, नहीं, तो दोनों में से जो छोटा ग्रुप है उससे हैलोजन जुड़ेगी। तो आई तो यहां जुड़ जाएगी और एच, अगर इसमें टर्शियरी ग्रुप होता तो एक साल टर्शियरी से जुड़वाएगा हैलोजन, दूसरी साल वो जुड़वाएगा छोटू से। 23 का पेपर एक बार पढ़ लो, रीड कर लो, देख लो क्या आ गया है, उसको देखकर इमेजिन करो अब इसमें क्या बदल कर पूछा जा। अगला क्वेश्चन है पीसीसी से ऑक्सीडेशन। पीसीसी क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, और टर्शियरी का कुछ नहीं करता। तो हमारे पास हमने देखा ये अल्कोहल कौन सा है, ये अल्कोहल है प्राइमरी, तो प्राइमरी अल्कोहल को पीसीसी बदल देगा एल्डिहाइड विदाउट अफेक्टिंग डबल। तो अब एमसीक्यू में वो यही चॉइस देगा और फिर पूछ लेगा इस कन्वर्जन के लिए कौन सा रिजेंट बेटर, और चॉइस में एक पीसीसी रख देगा, दूसरा रख देगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तीसरा रख देगा KMnO4 एसिडिक, और फोर्थ लिख देगा KMnO4 न्यूट्रल या बेस। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्कोहल का रिडक्शन कर नहीं सकता, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। अगर हमने इसमें KMnO4 यूज किया होता तो KMnO4 इस डबल बॉन्ड को उड़ा दे, इसलिए ये नहीं हो सकता। अगर हमने अल्कलाइन KMnO4 यूज किया होता तो अल्कलाइन KMnO4 ये तो कर देता, पर डबल बॉन्ड पर दो OH भी लगा, तो ये कोई नहीं हो सकता, सिर्फ पीसीसी ही ऐसा काम कर सकता। और एकमात्र रास्ता है, एकमात्र रास्ता है कि आप ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन याद कर लो। अगर आपको ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन याद नहीं है
तो आप ऑर्गेनिक नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में वो हमसे क्या कह रहा है, एक सिंपल टेस्ट बताओ जो एथेनॉल और फिनॉल में डिफरेंस कर दे। अभी अभी 12th क्लास के प्रैक्टिकल्स में हमने फिनॉल का टेस्ट पढ़ा है कि जो फिनॉल है वो न्यूट्रल एफिशिएंसी के साथ में वॉयलेट कलर देता है, लेकिन एथेनॉल नहीं देता। दूसरा टेस्ट, एथेनॉल जब आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा, एथेनॉल आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा लेकिन फिनॉल आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। दूसरा, प्रोपेनॉल और 2-methyl propanol, 2-methyl 2-propanol। तो देखना, ये तो है हमारा 2-propanol, खाली प्रोपेनॉल, और ये है 2-methyl 2-propanol। ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये सेकेंडरी अल्कोहल। जब हम ल्यूकास रिजेंट से प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं, ल्यूकास रिजेंट का मतलब HCl, इसी प्रेजेंस में ZnCl2। ल्यूकास की प्रेजेंस में फौरन OH हटकर Cl लग जाता है, अगर टर्शरी हुआ तो इमीडिएट बाय टर्बिडिटी देगा। सेकेंडरी वाला 5 मिनट बाद थोड़े से गर्म करने पर प्रेसिपिटेट देगा, और प्राइमरी 1 घंटे के बाद बहुत ज्यादा हीट करने पर डिफरेंट देगा, ठीक है ना। तो ल्यूकास टेस्ट से हम इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल से इथर के फॉर्मेशन की मैकेनिज्म बताओ। लास्ट वीडियो में मैंने अल्कोहल से एल्कीन बनाई थी बिल्कुल एंड में, और साथ में ये मैकेनिज्म भी बताई थी। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखने के लिए लास्ट पार्ट वाले कल वाली जो वीडियो है उसके बिल्कुल एंड में ये मैकेनिज्म दी हुई है। इसको हम विलियमसन्स कंटिन्यूस इथरीफिकेशन के नाम से जानते हैं। इस तरह हमने आज एक पेपर पूरा फिर से सॉल्व कर लिया जिसमें हमको 1 घंटा और 12 मिनट लगी है। अगर आपको ये पेपर आता है तो आप बहुत ही जल्दी, मतलब 1.5 घंटे में एक पेपर को पूरा कर सकते हैं। कल की क्लास में हम एक फिर नया पेपर सॉल्व करेंगे। हम जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं उससे 2008 से लेकर और 2022 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो CBSE बोर्ड में पूछे जा चुके हैं या NCERT में गिवन है, उनको डिस्कस करेंगे। उनका सोल्यूशन कैसे लिखना है, कैसे याद करना है, ये सब हम सीखने वाले हैं। तो कल की क्लास में फिर हम एक नया पेपर सॉल्व करेंगे, टोटल 6 पेपर सॉल्व करेंगे, और उसके बाद 2 पेपर MCQ कैसे करते हैं वो सीखेंगे, और इतने में आपके शायद 80 से 90 के बीच में मार्क्स आ जाए। इन वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, खुद भी लाइक